हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस वीक के AEW के डायनामाइट शो के बाद की AEW से जुड़ी हुई बहुत ही बड़ी और बहुत सारी अपडेट्स के बारे में। और गाइज, आज इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि इस वीक का AEW का डायनामाइट शो ऑफिस जाने के बाद क्या हुआ और क्या इस वीक के डायनामाइट शो के बाद क्रिस जेरिको रिटायर होने वाले हैं या नहीं। जिसके साथ ही हम जानने वाले हैं कि इस वीक के AEW के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप क्या रही। इस वीक की AEW की वीकली टॉप 5 रैंकिंग सामने आ चुकी है। AEW ने अपनी कंपनी के अंदर और दो नए सुपरस्टार्स को साइन कर लिया है। और गाइज, ये भी रिवील हो चुका है कि साल के AEW कंपनी के ऑल आउट पेपरव्यू पर जॉन मॉक्सली का अपोनेंट कौन हो सकता है। तो गाइज, ये सभी न्यूज रूमर और अपडेट जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना। और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जिसके साथ ही अगर आप ऐसे भी न्यूज रूमर और अपडेट हमारी वीडियो आने से भी पहले जानना चाहते हैं तो आप ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर आप हमारी ये वीडियो देखकर आप हमारे चैनल की एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको हमारी वीडियो आने से भी पहले AEW कंपनी के हर एक न्यूज रूमर और अपडेट पता चलती है। इसीलिए ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर ये वीडियो देखकर हमारे चैनल की एप्लीकेशन डाउनलोड करना मत भूलना। लेकिन गाइज, अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं इस वीक के AEW के डायनामाइट शो की और जानते हैं कि इस वीक के AEW के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप क्या रही। तो गाइज, आपको तो पता ही होगा कि इस वीक का AEW का डायनामाइट शो एक रेगुलर डायनामाइट शो था, जिस शो के ऊपर हमें बहुत ही बढ़िया मैचेस भी देखने को मिले हैं, जहां पर क्रिस जेरिको का फिफ्थ लेवर तो हुआ ही है, लेकिन हमें इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर स्टिंग भी एक्शन में देखने को मिले थे। और इतने बढ़िया डायनामाइट शो के बाद जहां तक बात है इस वीक के AEW के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप की, तो गाइज, इस वीक के AEW के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप उनके लास्ट वीक के डायनामाइट शो के मुकाबले थोड़ी फार कम हो चुकी है। और जहां पर लास्ट वीक के डायनामाइट शो को व्यूअरशिप मिली थी 779 की व्यूअर्स, तो इस वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप लास्ट वीक के डायनामाइट शो के मुकाबले करीब करीब 0.1% कम हो चुकी है। और इस वीक जो AEW के डायनामाइट शो को व्यूअरशिप मिली है वो है 975 की व्यूअर्स, जो देखा जाए तो AEW कंपनी की व्यूअरशिप के अंदर काफी बड़ा ड्रॉप तो नहीं है, पर हम कह सकते हैं कि इस वीक AEW ने अपनी व्यूअरशिप मेंटेन की है। पर जहां तक बात है 18-49 इस डेमोग्राफिक की, तो गाइस, इस वीक 18-49 इस डेमोग्राफिक के अंदर AEW कंपनी की व्यूअरशिप काफी कम हो चुकी है, क्योंकि लास्ट वीक 18-49 इस डेमोग्राफिक के अंदर AEW को व्यूअरशिप मिली थी 464 के व्यूअर्स, लेकिन इस वीक AEW को 18-49 इस डेमोग्राफिक के अंदर व्यूअरशिप मिली है 350 के व्यूअर्स, जो देखा जाए तो काफी कम है। पर AEW अपनी ओवरऑल व्यूअरशिप मेंटेन करने में कामयाब रही है, जिसके ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइज, अब मुझे ऐसा लगता है कि AEW को अपने व्यूअरशिप के अंदर करीब करीब 1 मिलियन का आंकड़ा पार करना चाहिए, क्योंकि अब AEW कंपनी स्टार्ट होकर करीब करीब 2 साल होने को आए हैं और अब भी AEW कंपनी की व्यूअरशिप कंसिस्टेंटली 1 मिलियन के ऊपर नहीं आ रही। इसीलिए मैं तो चाहता हूं कि AEW कंपनी की व्यूअरशिप कंसिस्टेंटली 1 मिलियन के ऊपर आए। लेकिन गाइज, अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की और जानते हैं कि इस वीक की AEW की वीकली टॉप 5 रैंकिंग्स क्या रही। पर गाइज, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज शाम को हमारे चैनल के ऊपर AEW के रैंपेज शो की प्रीव्यू और इस वीक इंपैक्ट रेसलिंग के शो के ऊपर क्या हुआ इसके रिव्यू वीडियो आने वाली है। तो आज शाम की हमारे चैनल की वो वीडियो देखना मत भूलना, क्योंकि हम उस वीडियो के अंदर भी थोड़े फार अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और अगर आप ये वीडियो एकदम शाम को देख रहे हैं तो गाइज, प्रोबेबली अब तक वो वीडियो हमारे चैनल के ऊपर आ भी चुकी होगी, तो इसलिए ये वीडियो खत्म होने के बाद वो वीडियो देखना मत भूलना। लेकिन गाइज, अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस वीक के AEW के वीकली टॉप 5 रैंकिंग्स की। तो गाइज, आपको तो पता ही होगा कि AEW कंपनी के अंदर विंस और लॉसेस मैटर करते हैं और इसी विंस और लॉसेस के ऊपर AEW कंपनी में हर एक सुपरस्टार अपने डिवीजन के मेन चैंपियनशिप के लिए चैलेंज कर सकता है। और जहां तक बात है इस वीक के AEW के विमेंस डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग्स की, तो गाइस, इस वीक के AEW के विमेंस डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग्स के अंदर नंबर 5 पर आती है फिनोलफी फ्रॉड, नंबर 4 पर आती है हिकारू शिडा, नंबर 3 पर आती है टाइकॉन्टी, नंबर 2 पर आती है थंडर रोजा और नंबर 1 पर आती है क्रिस स्टैटलैंडर। और स्टिल है हमारी AEW विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन डॉक्टर ब्रिट बेकर। पर जहां तक बात है AEW के टैग टीम डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग्स की, तो गाइस, AEW के टैग टीम डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग्स के अंदर नंबर 5 पर आते हैं FTR, नंबर 4 पर आते हैं प्राइवेट पार्टी, नंबर 3 पर आते हैं लुचा ब्रोस, नंबर 2 पर आते हैं वास्टी ब्लॉन्ड्स और नंबर 1 पर आते हैं जुरासिक एक्सप्रेस। और स्टिल है हमारे AEW वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस द यंग बक्स। पर जहां तक बात है AEW के सिंगल्स मेल डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग्स की, तो गाइस, AEW के सिंगल्स मेल डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग्स के अंदर नंबर 5 पर आते हैं विल हॉब्स, नंबर 4 पर आते हैं जंगल बॉय, नंबर 3 पर आते हैं ऑरेंज कैसिडी, नंबर 2 पर आते हैं डार्बी एलन और नंबर 1 पर आते हैं क्रिश्चियन केज। और स्टिल है हमारे AEW TNT चैंपियन मीरो और AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन केनी ओमेगा। और इस वीक AEW के टॉप 5 रैंकिंग्स में जितने भी चेंजेस हुए हैं वो चेंजेस क्या है ये जानने के लिए आप ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर आप हमारे चैनल के एप्लीकेशन के अंदर जाकर ये आर्टिकल पढ़ सकते हैं, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि लास्ट वीक के मुकाबले इस वीक AEW की वीकली टॉप 5 रैंकिंग्स के अंदर कितने चेंजेस हुए हैं। पर यही थी इस वीक की AEW की वीकली टॉप 5 रैंकिंग्स। लेकिन गाइज, अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की और जानते हैं कि इस वीक का AEW का डायनामाइट शो ऑफेयर जाने के बाद क्या हुआ। तो गाइज, आपको तो पता ही होगा कि हमें टीवी के ऊपर AEW का डायनामाइट शो करीब करीब 2 घंटे का देखने को मिलता है। पर गाइज, कभी कभार AEW का डायनामाइट शो खत्म होने के बाद भी हमें AEW कंपनी के शोज के ऊपर कुछ चीजें देखने को मिलती है, जो चीजें AEW का डायनामाइट शो ऑफेयर जाने के बाद होती है। और अगर आपने हमारे चैनल के ऊपर इस वीक के AEW के डायनामाइट शो का रिव्यू वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि इस वीक के AEW के डायनामाइट शो के मेन इवेंट के अंदर MJF ने क्रिस जेरिको को एक नॉर्मल 1-on-1 मैच के अंदर हरा दिया था और इसके साथ ही इस वीक का डायनामाइट शो ऑफेयर चला गया था। पर इसके बाद भी इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर कुछ चीजें हुई है, जो चीजें हमें AEW का डायनामाइट शो ऑफेयर जाने के बाद देखने को मिली है। और हाल ही में इस वीक का डायनामाइट शो अटेंड करने वाले एक फैन
ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर एक वीडियो शेयर किया है, जिस वीडियो के अंदर हम देख सकते हैं कि स्वीक का डायनामाइट शो ऑफिस जाने के बाद क्रिस जेरिको का उनका मैच हारने के बाद यहाँ पर फैंस क्रिस जेरिको को अप्रिशिएट कर रहे थे और यहाँ पर क्रिस जेरिको को एक स्टैंडिंग ओवेशन भी मिली है। और जब क्रिस जेरिको अरेना छोड़कर जा रहे थे तभी यहाँ पर सभी फैंस ने थैंक यू जेरिको के चैंट्स लगाने शुरू कर दिए, जिस पर क्रिस जेरिको भी काफी ज्यादा इमोशनल हो चुके थे। और यही सब चीजें हमें स्वीक का डायनामाइट शो ऑफिस जाने के बाद देखने को मिली है। जिन सबके ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइज हमारी अगली अपडेट इसी स्टोरी से रिलेटेड है, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की और जानते हैं कि क्या इसके बाद क्रिस जेरिको AEW कंपनी से रिटायर होने वाले हैं या नहीं। और गाइज मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर हमें क्रिस जेरिको का एक बहुत ही बढ़िया मैच देखने को मिला है, जो मैच हारने के बाद यहाँ पर क्रिस जेरिको को एक बहुत ही बढ़िया स्टैंडिंग ओवेशन भी मिली है। पर गाइज इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर मैच होने से पहले क्रिस जेरिको का एक इंटरव्यू हुआ था और वहाँ पर उस इंटरव्यू के अंदर क्रिस जेरिको से पूछा गया था कि क्रिस जेरिको का कब तक रेसल करने का प्लान है। और यहाँ पर इस सवाल का जवाब देते हुए क्रिस जेरिको ने कहा था कि जेरिको जब तक काफी अच्छे मैचेस दे सकते हैं तब तक क्रिस जेरिको बहुत ही बढ़िया मैचेस देने वाले हैं। पर क्रिस जेरिको को भी पता नहीं है कि क्रिस जेरिको कब रिटायर होने वाले हैं। पर जब भी कभी क्रिस जेरिको रिटायर होंगे तब क्रिस जेरिको अपने रिटायरमेंट मैच को बहुत ही बढ़िया मैच करके हाइप नहीं करने वाले, यानी कि क्रिस जेरिको अपने रिटायरमेंट मैच को अपने लास्ट मैच के तौर पर हाइप नहीं करने वाले और क्रिस जेरिको को कोई बहुत ही बढ़िया रिटायरमेंट सेरेमनी भी नहीं चाहिए, जो बातें यहाँ पर क्रिस जेरिको ने कही। और यहाँ पर बात करते हुए क्रिस जेरिको ने यह भी कहा कि क्रिस जेरिको अब उनके करियर के अंदर उस पॉइंट के ऊपर पहुंच चुके हैं जहाँ पर क्रिस जेरिको कभी भी रेसलिंग में से रिटायर हो सकते हैं और क्या पता जेरिको किसी को बताए बिना कि क्रिस जेरिको का लास्ट मैच होने वाला है, जो बातें क्रिस जेरिको ने हाल ही में इस वीक का डायनामाइट शो शुरू होने से पहले हुए अपने इंटरव्यू के अंदर कही थी, जिसे कि हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्रिस जेरिको ने कहा था कि अब AEW कंपनी के अंदर होने वाला क्रिस जेरिको का कोई भी मैच उनका रिटायरमेंट मैच हो सकता है और क्रिस जेरिको अपने रिटायरमेंट मैच पहले से अनाउंस नहीं करने वाले, तो इस सबसे इस चीज की भी पॉसिबिलिटी बनती है कि इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर क्रिस जेरिको का मैच उनके रेसलिंग करियर का आखिरी मैच हो सकता है। पर गाइस जेरिको के स्टेटमेंट के ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए और क्या आपको लगता है कि इस वीक के AEW के डायनामाइट शो के ऊपर क्रिस जेरिको का मैच उनके करियर का लास्ट मैच है या नहीं। लेकिन गाइस जहां तक बात है मेरी, तो गाइस मुझे ऐसा लगता है कि क्रिस जेरिको के लिए बहुत ही बढ़िया रिटायरमेंट मैच हो सकता है। पर गाइस मैं चाहता हूं कि क्रिस जेरिको और ज्यादा देर तक रेसल करे, पर देखते हैं कि जेरिको कब तक रेसल करते हैं। लेकिन गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की और जानते हैं कि हाल ही में AEW ने अपनी कंपनी के अंदर कौन से नए दो सुपरस्टार्स को साइन कर लिया है। तो गाइस आपको तो पता ही होगा कि जब से AEW कंपनी शुरू हुई है तब से AEW ने अपनी कंपनी के अंदर बहुत सारे सुपरस्टार्स को साइन किया है, जिनमें से कई सारे सुपरस्टार्स इंडिपेंडेंट सुपरस्टार्स और कई सारे सुपरस्टार्स फॉर्मर WWE सुपरस्टार्स भी है। और ऐसे में हाल ही में AEW ने अपनी कंपनी के अंदर और दो नए सुपरस्टार्स को साइन कर लिया है। और गाइस हाल ही में AEW कंपनी के चेयरमैन यानी कि टोनी खान ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर एक ट्वीट कर बताया कि फाइनली AEW कंपनी ने 2.0 यानी कि एवर राइज को अपनी कंपनी के अंदर साइन कर लिया है और अब मैट ली और जेफ पार्कर ये दोनों ही सुपरस्टार्स AEW कंपनी के लिए काम करने वाले हैं। और गाइस इन दोनों ही सुपरस्टार्स के लिए बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि फाइनली वो AEW कंपनी के अंदर आ पाए हैं। पर अब तक जितना मैंने इन दोनों सुपरस्टार्स को देखा है उतना इन दोनों ही सुपरस्टार्स को देखने के बाद मुझे इन दोनों ही सुपरस्टार्स के अंदर कुछ खास नहीं दिखाई देता और मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों ही सुपरस्टार्स AEW कंपनी के अंदर एक B+ टैग टीम बनकर रह सकते हैं। लेकिन गाइस आप मुझे कमेंट कर बताइए कि 2.0 यानी कि एवर राइज को AEW कंपनी के अंदर साइन करने के ऊपर आपका क्या कहना है और क्या आपको लगता है कि एवर राइज AEW कंपनी के अंदर कॉन्ट्रैक्ट डिजर्व करती है या नहीं। पर मुझे ऐसा लगता है कि AEW को 2.0 को अपनी कंपनी के अंदर साइन करने से पहले थोड़ा फार टाइम देना चाहिए था और यहाँ पर AEW को देखना चाहिए था कि 2.0 कितनी बढ़िया टैग टीम है। पर चलो अब AEW ने 2.0 को अपनी कंपनी के अंदर साइन कर लिया है तो अब देखते हैं कि AEW कंपनी के अंदर 2.0 का करियर कैसा होता है। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी सबसे मेन अपडेट की और जानते हैं कि इस साल के AEW कंपनी के ऑल आउट पेपर के ऊपर जॉन मॉक्सली का अपोनेंट कौन हो सकता है। तो गाइज अगर आप हाल फिलहाल में AEW कंपनी की हर एक स्टोरी लाइन देख रहे हैं तो हाल फिलहाल में AEW कंपनी की हर एक स्टोरी लाइन देखकर आपको अंदाजा आ चुका होगा कि AEW कंपनी के ऑल आउट पेपर के ऊपर किस सुपरस्टार का मैच किसके अगेंस्ट हो सकता है। लेकिन गाइज जहां तक बात है जॉन मॉक्सली की, तो अभी AEW कंपनी के अंदर जॉन मॉक्सली को देखकर हम जॉन मॉक्सली का ऑल आउट पेपर के ऊपर अपोनेंट फिगर आउट नहीं कर सकते। पर गाइज हाल ही में हमने देखा था कि जॉन मॉक्सली ने एक बैकस्टेज सेगमेंट के अंदर हिरोशी तनहाशी को एक मैच के लिए चैलेंज किया था और इसके बाद जॉन मॉक्सली न्यू जापान प्रो रेसलिंग रिसर्जेंस पेपर के ऊपर हिरोशी तनहाशी के मैच के दौरान रिंगसाइड पर भी बैठे थे, पर वहां पर भी जॉन मॉक्सली ने कुछ नहीं किया। और इस सब के बाद हाल ही में रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मैटजर ने अपने रेसलिंग ऑब्जर्वर पॉडकास्ट के ऊपर कहा कि उन्हें ऐसा लगता है कि प्रोबेबली AEW कंपनी अपने ऑल आउट पेपर के ऊपर जॉन मॉक्सली और हिरोशी तनहाशी का मैच IWGP यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप के लिए करवाने वाली है और ये मैच इस साल के ऑल आउट पेपर के लिए करीब करीब ब्लॉक हो चुका है, यानी कि हम इस साल के ऑल आउट पेपर के ऊपर IWGP यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप के लिए हिरोशी तनहाशी और जॉन मॉक्सली के बीच में एक मैच देखने को मिलने वाला है, जो मैच मेरे हिसाब से इस साल के ऑल आउट पेपर का एक बहुत ही हार्ड हिटिंग मैच हो सकता है। और गाइज मुझे भी देखना है कि जब हिरोशी तनहाशी और जॉन मॉक्सली ये दोनों ही सुपरस्टार एक दूसरे के आमने सामने आते हैं तब ये दोनों ही सुपरस्टार एक दूसरे के ऊपर कितने तगड़े मूव्स लगाते हैं और इन दोनों के बीच में कितना तगड़ा मैच होता है। लेकिन गाइज आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपका इस मैच के ऊपर क्या कहना है। पर मैं देखना चाहता हूँ कि जब एक जापानी सुपरस्टार AEW कंपनी के शोज के ऊपर रेसल करता है तो सुपरस्टार की रेसलिंग करने की स्टाइल कैसी होती है। पर हमारी आज की वीडियो यही तक की थी और आज शाम को हमारे चैनल के ऊपर आने वाली वीडियो देखना मत भूलना, या फिर अगर आप ये वीडियो एकदम शाम को देख रहे हैं तो ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर हमारी आज शाम की ये वीडियो देखना मत भूलना। लेकिन गाइज अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, पर तब तक स्टे हेल्दी स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग इलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite. The elite.
What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?